ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब लमसर हमारे लोगों के खिलाफ, तो हम आपके अलग पैसे दबा बाहर निकालेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनसे युद्ध मत कीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम हमारी तरफ से कोई पहल नहीं। शुक्र मनाओ, वरना आज शमशीर की जगह तुम्हारा सर होता। शुक्र मनाओ कि हमने जोधा बेगम को जबान दी थी और जबान ने हमें रोक लिया। की शादी हो गई है सुकन्या। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को तोहफे दिए जाते हैं। वचिंदर, हम आपको आपके तोहफे में आपके वालिद साहब की जान बख्श देते हैं। सुकन्या, हम आपको रतनपुर का किला तोहफे में देते हैं। यह वादा देते हैं कि रतनपुर और धवलगढ़ महफूज रहेंगे। तो बस इन्हें ये अतलाना चाहते थे कि ये किससे बात कर रहे हैं। तोहफे कभी मांगे नहीं जाते, उन्हें छीना नहीं जाता, उन्हें सच्चे मन से दिया जाता है। इसलिए हम आपको सच्चे मन से रतनपुर का किला देते हैं। ये दस्तावेज ये इस बात का सबूत है। कम वक्त कायनात खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके सवाल नहीं खत्म होगी। चौथा मुझे क्या पूछना है आपको? हमें समझ नहीं आ रहा है, जब आपने रतनपुर का दुर्ग अचल सिंह जी को सौंप ही दिया था, तो उसे फिर वापस से क्यों जीत लिया? इस बात की दो वजहें चौथा बेगम। पहली ये कि अगर हम वो किला किसी के दबाव में आकर देते तो ये सियासी तौर पर हमारी शिकस्त होती है, और हम अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी शिकस्त हुई तो हमारी बादशाहत गई। और दूसरी वजह ये जोधा बेगम कि हम किसी को भी वो चीज़ नहीं देते जिसके लिए उसने मेहनत ना की हो, अपने बलबूते हासिल ना की हो, फिर चाहे वो जमीन हो, किला हो, दौलत हो या मोहब्बत। हमें तो लगता था कि आप केवल जीतने में विश्वास रखते हैं, कमाने में नहीं। लफ्ज चाहे जो भी हो, सोच चाहे जो भी हो जोधा बेगम, लेकिन हकीकत यही है कि फतेह भी कमाई जाती है अपनी मेहनत से, अपने खून अपने पसीने से। यदि वो दुर्ग आपने इतनी मेहनत से ही पाया था, तो फिर उसने सुकन्या को क्यों दे दिया? एक तरह से वो किला हमने सुकन्या को नहीं बल्कि उस रिश्ते को दिया है जो हमारा आपके साथ है, आमिर के साथ है। वो किला आपके वालिद साहब, आपके खानदान ने अपनी वफादारी से कमाया, उस इज्जत से कमाया जो आपने हमें और हमारे खानदान को बख्शी। और हम नहीं चाहते थे कि लोग ये सोचें कि शहनशाह इज्जत के बदले इज्जत देना नहीं जानता। इतने बड़े शहनशाह हैं आप, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है?
फर्क पड़ता है शोधा बेगम, आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ना जाने क्यों, पर इस बात से हमें फर्क पड़ता है। अब एक बात हम आपको कहेंगे शोधा बेगम, हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो आपने अब तक हमसे किया ही नहीं, कि हमें रतनपुर का किला इतना अजीज क्यों है। जोधा बेगम, जब हम इतने से थे, हमारे वालिद मरहूम शहंशाह हमारे साहब ने वो किला हमें सौंपा उस किले की सबसे ऊंची पोस्ट पर हमें लेके गए, वहां से दुनिया का नजारा देखा। उन्होंने हमसे कहा कि जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है तो एक न दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। यदि वो किला आपको इतना प्रिय तो फिर सुकन्या को दिया किस लिए? इस बात की भी दो वजह जोधा बेगम। पहली ये कि हमने जो उस किले की वजह से देखा था उससे कई गुना ज्यादा हम हासिल कर चुके हैं, दूसरी वजह ये जोधा बेगम कि वो किला हमने अमेरिकी शहजादी सुकन्या को नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की बेगम की बहन को दिया है। जवाब तो दे दिया आपने शहंशाह, लेकिन जोधा बेगम का सवाल भी वाजिब था, आखिर क्यों क्यों हमें इनकी किसी भी बात से फर्क पड़ता है क्यों? जलाल का कारवां आमेर से आगरा के लिए रवाना हो चुका था। उन दिनों मौसम के मिजाज पर इंसान की पकड़ कम थी, सर्दियों में तेज हवा के साथ तूफान आने लगे इसके बारे में पहले से बता पाना मुश्किल था, और वो दिन तीखी सर्द हवाओं से भरा ऐसा ही एक दिन था। अदगर साहब, हमें लगता है कि आगे का सफर हमारे लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आज रात को यहीं रुकेंगे। जो हुक्म शहंशाह, कारवां रोको। आपका फैसला सही था हुजूर, जब तक ये तूफान ना थमे हमें अपने आगे का सफर यहीं रोक देना चाहिए। हम तो सिपाही हैं, ऐसे तूफानों से दो चार होते रहते हैं, मगर काफिले की शाही बेगम है वो ये तूफान और ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अदगर साहब, मीर समान से कहिएगा कि अम्मी जान बड़ी अम्मी और सभी औरतों के खेमे में वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं जो जरूरी हैं। सबके खेमे में आग, अंगीठी और लकड़ियां होनी चाहिए। इंतजाम हो जाएंगे हुजूर, अब आप आराम कीजिए। पर्दे गिराने भूल गई थी जोधा बेगम। Thank you.
हुजूर आला, जागिए हुजूर आला। बदतमीज, हिमाकत कैसे की तुमने हमें जगाने की? ऐसा क्या तूफान आ गया कि तुमने हमारी नींद खराब की? हुजूर आला, क्या फौरन चलो और हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जलाल के पास अभी सिपाही भेजो। आपको पहले भी समझा चुके हैं शहंशाह, माना कि हम पति पत्नी हैं, परंतु हमारे मध्य कोई संबंध नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? हम यहाँ पर अकेले हैं और बाहर तूफानी हवा चल रही है। मैं आपसे आशा नहीं थी कि आप परिस्थिति का ऐसा फायदा उठाएंगे शहंशाह। जोधा बेगम, आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस आपको। आप हमें कोई भी स्पष्टीकरण मत दीजिए शहंशाह, हम यहाँ पर केवल अम्मी जान की बात का मान रखने के लिए हैं। उनके दिल को ठेस न पहुँचे इसलिए इस कक्ष में आपके साथ अकेले हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, अपनी मनमानी करें। हम अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठहरिए जोधा बेगम, जोधा बेगम, बाहर ठंड बहुत है, आप बीमार पड़ जाएंगी। इस मौसम का मिजाज आपके तीखे तेवर से भी ज्यादा तीखा है। बाहर का ये तूफान अंदर के इस तूफान से कम नहीं है। हम सह लेंगे और इसका सामना भी कर लेंगे। जोधा बेगम, जोधा बेगम आइए अंदर चलिए। आपको गलत फहमी हुई है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आइए। जोधा बेगम, इतनी ठंड में आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आप मुगल सल्तनत की बेगम है। आइए अंदर। हम जानते हमारी जगह कहाँ है, अब हमें आप पर विश्वास नहीं है। तो ठीक है जोधा बेगम, हम भी देखते हैं कि आपके गुस्से की आग आपको कब तक इस ठंड से बचाती है। शब्बा खैर जोधा बेगम। जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनती, कर लेना अपनी तबीयत खराब इन्होंने। हमें मत छूइए।
ख्वाजा सेरा, बेगम की हालत अब कैसी है? कोशिश कर रहे हैं मोतीबाई। लेप के लिए ये बूटी ठीक से पीसना, बिल्कुल बारीक और महीन होनी चाहिए। क्या हम शहंशाह से अकेले में बात कर सकते हैं? ऐसी क्या बात है जो इसे जलाल से अकेले में करनी है? हमें मालूम होना चाहिए। बेशक ख्वाजा, हम सबको बेगम जोधा की सेहत की फिक्र है। यहाँ मौजूद हर कोई बेगम जोधा का अपना है। आप बेफिक्र होके सबके सामने बात कर सकते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। बेशक, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें शहंशाह से अकेले में ही करनी पड़ेगी। कहिए, क्या बात करनी है? हमारे जो बस में था हम कर चुके हैं शहंशाह, मगर बेगम साहिबा का जिस्म ठंडा पड़ चुका है, कोई हरकत नहीं है, धड़कनें मध्यम पड़ चुकी हैं, दवाइयां अपना असर नहीं दिखा रही। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए, और इसके लिए उनके खून का गर्म होना बेहद जरूरी है। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं। इनके शौहर होने के नाते क्या करना है आप बेहतर समझते हैं। हमें इजाजत दीजिए। एक तरफ जोधा बेगम की जान का सवाल है और दूसरी तरफ उन्हें दी गई जबान का। अगर हम करें तो क्या करें? तो ये इलाज बताया ख्वाजा सरा ने बेगम जोधा के लिए। आप तो क्या, कोई पीर फकीर, खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे। आप हंस रही हैं वजीरे आलिया, रुकैया बेगम की बदकिस्मती पर? नहीं रेशम, हम बेगम रुकैया की बदकिस्मती पर नहीं, हम बेगम जोधा की बदकिस्मती पर कह कह लगा रहे हैं। आइए आदम। अम्मी जान, आप इस वक्त जागी हुई हैं? और सुना है कि जोधा बेगम को कुछ हो गया है? हुआ नहीं है आदम, होने वाला है। क्या? बेगम जोधा वो खोने वाली है जो हम चाहते थे कि वो खो दे। ऐसा क्या मिला? जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी, नहीं समझे ना? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आदम। आदम, बच्चा तब तक खिलौने को पाने के लिए बेकरार रहता है जब तक वो खिलौना उसे मिल नहीं जाता। जब उस बच्चे को वो खिलौना मिल जाता है तो बस कुछ देर उस खिलौने के साथ खेलने के बाद उसकी उस खिलौने में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो खिलौना कमरे के किसी कोने में पड़ा रह जाता है। अम्मी जान, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी तब तक थी जब तक वो उसे पा न सके, और अब जब बेगम जोधा को वो पा लेंगी तब जलाल की उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। जरा सोचो, बेगम जोधा आमेर तक खास थी, आगरा में आम हो गई। आदम, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, बस जो भी होता है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब बेगम जोधा के खौफ से हमें छुटकारा मिलने वाला है, इसीलिए जाइए, चैन से सो जाइए। ठीक है अम्मी जान, आप कहती हैं तो चलते हैं।
दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा पा रहे। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए, और इसके लिए उनके खून का गर्म होना बेहद जरूरी है। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं।